शामिल करते हैं। बात भारत और चीन की भी करते हैं क्योंकि एक और बयान अमेरिका की तरफ से भारत और चीन की मौजूदा सलामती सूरत हाल पर सामने आया है और हकीकी कंट्रोल लाइन पर जो इस वक्त कशीदगी है उसमें इजाफा अमेरिका के मुताबिक हो रहा है क्योंकि इससे पहले एक फौजी सरबराह का अमेरिका की एक आर्मी जनरल का बयान सामने आया था लेकिन एक हफ्ते के अंदर ही एक बार फिर से जो अमरीकी वजारत दिफा के सेक्रेटरी हैं लॉर्ड ऑस्टिन उनका यह बयान सामने आया है और बयान के मुताबिक कि चीन मौजूदा वक्त में भी तमाम तर इकदाम बातचीत या जो ताल्लुकात बेहतर करने की बातें हो रही हैं इन सब के बीच में हकीकी कंट्रोल लाइन पर जो भारत के साथ लगने वाली मशरकी लद्दाख में सरहद है उस पर अपनी पोजीशन मुसलसल मजबूत कर रहा है और ये बयान एक हफ्ते के बीच दूसरा बयान अमेरिका की तरफ से। इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिका की जहां पर फौजी जनरल जनरल चार्ल्स फ्लिन का बयान सामने आया था जिन्होंने जो बुनियादी ढांचा अफवाज आसपास पीपल्स रिवोल्यूशन आर्मी तैयार कर रही है उसको एक आई ओपनिंग करा दिया था और ये कहा था कि ये सबसे मुश्किल सूरत हाल है और चीन की तरफ से मुसलसल सरगर्मियां भी सरहदी इलाकों में अंजाम दी जा रही हैं तो भारत हो या आसपास बाकी ममालिक हो उनके लिए भी इस वक्त आंखें खोलने का वक्त है। तो वो बयान अभी सामने ही था उस पर तबसरे और तजिए की जा रही थी लेकिन रवां हफ्ते ये दूसरा बयान सामने आया लॉयड ऑस्टिन का जो कि शंघाईला डायलॉग के अंदर सिंगापुर में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजिंग की कोशिशें मुसलसल जारी हैं और भारत के साथ लगने वाली सरहद जिस पर अभी भी चीन अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है और इतना ही नहीं उन्होंने ये भी खुलासा किया कि जो ईस्ट चाइना सी है और साउथ चाइना सी वहां पर भी अपने हुदूद को मुसलसल चीन की जानिब से बढ़ाया जा रहा है सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं और जो फिशिंग फ्लीट है उस पर पाबंदी लगाने की बात इसलिए कॉर्ड मालिक ने की थी क्योंकि मौजूदा वक्त में चीन की तरफ से तमाम तरह के इकदाम तमाम तरह के मुआहिदों तमाम तरह की बातचीत होने के बावजूद भी किसी भी तरीके से मुआहिदों पर दस्तखत करने के बावजूद भी अमल दरामद नहीं हो सका और गैरकानूनी तरीके से जो मछली निकालना या फिर यहाँ सरगर्मियां अंजाम देना ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। ये एक तरफ की बात लेकिन भारत और चीन के दरमियान भी तनाव खत्म नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी तैयार हो रहा है। इस वाले बयान के बाद अब यूएस डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन का बयान भी सामने आया है जिस पर इस वक्त जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं वो भी मुस्बत रद्देअमल उनका सामने आ रहा है और इस तरीके से वो देख रहे हैं कि हालात को बहुत नजदीक से ना सिर्फ देखने की बल्कि कंट्रोल करने की भी जरूरत है क्योंकि अमेरिका लगातार इन चीजों को बारीकी से देख रहा है।